घर के मुखिया की हालत टीन के उस शेड जैसी होती है जो बारिश तूफान ओलावृष्टि सब झेलता है, लेकिन उसके नीचे रहने वाले अक्सर कहते हैं कि यह आवाज़ बहुत करता है और गर्म भी जल्दी होता है। जिंदा रहना है तो शौक भी जिंदा रखिए, उम्र की ऐसी की तैसी, मन उड़ता परिंदा रखिए। जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, परंतु जब मौत निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और खोया हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकते हैं, पर खोया हुआ समय कभी लौट नहीं सकता। ज़्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। कितना जीना है यह हमारे हाथ में नहीं है, पर कैसे जीना है यह तो हमारे हाथ में ही है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है दोस्त, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती, सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। दुश्मन से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है वो आपका अपना, जो करीब आकर आपके दिल के भेद जान ले और फिर हंस हंस कर सारी दुनिया को बताए। अपने रिश्ते को घड़ी की सुइयों की तरह बनाए रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बूढ़े को अपनाओ मत। वाणी और विचार ये दोनों प्रोडक्ट हमारे खुद के कंपनी के हैं, जितनी क्वालिटी और गुणवत्ता अच्छी रखेंगे कीमत उतनी ज़्यादा मिलेगी। याद रखना, जिसको 1 रुपए की भी कीमत पता होती है वह करोड़ों मिलने पर भी कभी घमंड नहीं करता। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। सच एक सर्जरी की तरह है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको अस्थाई राहत जरूर देता है लेकिन साइड इफेक्ट जीवन भर का देता है। फितरत, सोच और हालात में फर्क है, वरना इंसान कैसा भी हो दिल का बुरा नहीं होता। पीठ पीछे नफरत और मुंह पर प्यार, आजकल के दुनिया का यही है कारोबार। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है। किसी के साथ रहो तो वफादार बन के रहो, धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान है। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे दोस्त नहीं। ब्रांडेड कपड़े पहनना फैशन नहीं है, फैशन यह है कि आप 400 रुपए के कपड़े पहने और आपके पहनने के बाद उसकी वैल्यू 4000 के लायक हो जाए। बीज बिना किसी आवाज़ के बढ़ता है लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है, अर्थात विनाश शोर करता है लेकिन बढ़ने वाला मौन रहता है, यह मौन की शक्ति है। टूटे नहीं थे कभी हम, तोड़े गए हैं, रोए नहीं थे जितने रुलाए गए हैं। माना कि इतने अच्छे नहीं हैं हम, लेकिन इतने बुरे भी नहीं थे जितने बुरे बनाए गए हैं। पहाड़ों पर बैठकर तप करना सरल है लेकिन परिवार में सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना कठिन है, और यही सबसे बड़ा तप है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। दीपक मिट्टी का है या सोने का यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र गरीब है या अमीर यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो आपके मुसीबत में कितना साथ देता है यह महत्वपूर्ण है। नमक की तरह
कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी बात करने वाले तो अक्सर चापलूस ही होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े, पर मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से ही हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जड़िया बदल गया। ना शक्ल बदली ना ही बदला मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया।